रियलमी नार्जो 20। दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है 4/64 यानी कि 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल। उसके साथ साथ आपको इसमें जो कैमरा है वो 48 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP और उसके बाद जो फ्रंट कैमरा मिलेगा वो 8 MP। अभी हम इस प्रोडक्ट को निकाल के दिखाते हैं। इसको जो है हमको परचेज हुआ है सिर्फ 9,449 रुपये में। 10% जो है SBI डेबिट कार्ड से डिस्काउंट मिला है। चलिए हम इसको पहले ओपन करते हैं। बहुत ही सेफ्टी के साथ आया है ताकि इसमें कुछ डैमेज ना हो। देखिए इसका येलो कलर का बॉक्स है, नार्जो 20 आपको लिखा हुआ है, रियलमी ब्रांड है। देखिए इसमें जो है कैमरा वैमरा सब कुछ दिया हुआ है। अगर डिटेल हम वैसे दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा उसको भी हम बता देते हैं। इसमें फ़ोन के साथ साथ आपको एक चार्जर मिलेगा जो 18 वाट सी टाइप फास्ट चार्जिंग रहेगा। देखिए इसको थोड़ा सा, ये पूरा प्लास्टिक कवर है ताकि इसमें जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, जैसे कि पानी वानी और भी शब्द किसी भी समस्या जैसे कि आपको ना हो। इसको बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग की गई है। अगर देखें तो ये देखिए बहुत ही सुंदर ये बॉक्स जो है बहुत अच्छा लग रहा है, येलो कलर का जो है। अब ये जो है आपको मिल जाता है इसमें टूल बॉक्स, यानी कि इसमें जो है पिन और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, और आपको जो मोबाइल है ये ऐसे एक प्लास्टिक में मिलती है। इसमें किसी भी प्रकार की जैसे कि कोई भी जैसे कि जो आप कह सकते हैं बैक कवर या और कुछ है, इसके साथ नहीं मिल रहा है अभी। तो इस समय देखें तो ये देख रहे हैं आप विक्ट्री ब्लू कलर में है। बहुत ही सुंदर हमको लगा यह कलर, इसीलिए हमने इस कलर को लिया है। आपको जो कलर इसमें अच्छा लगता है आप उसको ले सकते हैं। इसमें वैसे भी दो वेरिएंट हमको ज़्यादा अच्छे लगे थे, हमने इसको मंगाया है, विक्ट्री ब्लू कलर है। और इसमें आप देख रहे होंगे नीचे सी टाइप जो है इसकी चार्जिंग है और 3.5 mm इसका ऑडियो जैक, उसके बाद स्पीकर है उसमें, इसके बाद माइक है, ठीक है। कैमरे की बात करें तो कैमरा जो है 48 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP इसमें कैमरा आपको मिल जाता है। सेंसर भी आपको मिला है, समझिए 10,000 के नियर अबाउट, 10.5 तो वैसे इसकी प्राइस है। अगर आप डिस्काउंट में SBI कार्ड से जैसे जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आप पेमेंट करेंगे तो यह हो जाएगा। देखिए इसको हमने ऑन कर दिया है, ऑन करने के बाद देख रहे हैं तो इसकी फ्रंट जो है बहुत ही ठीक ठाक लगा हमको, और इसको हमने स्टार्ट भी कर दिया है। अभी इसको दोस्तों हम चलाने के बाद कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा इसमें क्या हीटिंग प्रॉब्लम है, क्या कैमरा है। कैमरा वैसे तो 48 MP है तो कैमरा हमको ठीक ठाक लगा है। अगर इसमें और भी कोई समस्या होती है तो हम आपको आगे किसी न किसी प्रकार से वीडियो बनाकर उसको बता देंगे। वैसे तो यहाँ तक अगर देखें तो इस प्राइस रेंज में यह जो है फ़ोन हमको अच्छा लगा है, इसलिए हमने सोचा कि आपको दिखा देते हैं इस फ़ोन को, ठीक है।